मिटा दे अपनी हस्ती को, बड़े से बड़ा समर्पण है मिट जाना। ध्यान से सुनना इस बात को, तभी समझ में आएगी बात। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, अपनी हस्ती को पूरी की पूरी मिटा देना, बिना पूर्ण संकल्प के संभव है क्या? जरा इस खोपड़ी के ऊपर पूरी कॉन्सेंट्रेशन देके समझने की चेष्टा कीजिए और फिर मुझे बताइए। जब तक आपके भीतर ये पूर्ण संकल्प ना बना पाओगे कि मिटना ही है, तो मिटोगे कैसे? कायर व्यक्ति मिट ही नहीं सकता। कायर व्यक्ति तो छोटे से जानवर से घबरा जाता है कि हाय मौत, मौत के नाम से डर जाते हो तुम। हालांकि आसपास कहीं मीलों तक भी मौत नहीं होती। मरने के लिए बहुत बड़ा संकल्प चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को। कायर व्यक्ति कैसे मिटाएगा? कायर व्यक्ति तो मिटने के भय से कंपता ही रहता है। जरा ध्यान से समझना, बहुत बड़ा संकल्प चाहिए, बहुत बड़ा हौसला चाहिए। मरना महत संकल्प है, वृहत्तम संकल्प है, बड़े से बड़ा संकल्प है मृत्यु। इसलिए कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। जैसे आत्महत्या जो व्यक्ति करता है, उस क्षण उसके भीतर वृहत्तम संकल्प होता है मिट जाने का। ध्यान से समझना मेरी बात को। उस वक्त कोई भी बलिदानी पुरुष उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा बलिदान उसके भीतर संकल्प में होता है। मर जाना कोई छोटा संकल्प है। इसलिए आत्महत्या करने वाला व्यक्ति, कायर व्यक्ति आत्महत्या ही नहीं कर सकता। कायर व्यक्ति आत्महत्या ही नहीं कर सकता। आत्महत्या करने के लिए बहुत बड़ा संकल्प चाहिए, वृहत्तम संकल्प चाहिए। साधना करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से हमने जंप लेना होता है। किसमें? मौत में, जिसे हम समर्पण कहते हैं। मौत में संकल्प लेने के लिए कुछ भाषाओं में उसे जंपिंग बोर्ड कहा जाता है। और जन्मों के प्रयास के बाद जब व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचता है तो उसका हौसला नहीं पड़ता वहां पर जंप करने का, कूद जाने का, उस गहरी खाई में कूद जाने का उसका जिगरा नहीं होता, साहस नहीं होता। तो जो व्यक्ति कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण मूर्ति सारा जीवन कहते रहे कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ गुरु, लेकिन कृष्णमूर्ति के लिए तो ये बात सही रही, बाकियों के लिए क्या होगा?
बाकियों के लिए वो क्यों बोले? अपना अनुभव दूसरों के लिए तो संगत नहीं हो सकता, क्योंकि कई व्यक्ति प्रेरणा चाहते हैं उस वक्त, हौसला चाहते हैं, हौसला देना पड़ेगा उनको। थोड़ा सा हौसला दोगे तो उनके भीतर से हौसला उठेगा, जब हौसला उठेगा तो वो जंप कर जाएंगे। वहां गुरु की आवश्यकता ही नहीं होती, वहां बहुत जरूरत होती है, कंपल्शन होती है गुरु की। बस गुरु का काम सिर्फ इस पॉइंट पे पड़ता है, उससे पहले तुम कैसे भी किए जाओ चलेगा, लेकिन बिल्कुल अंतिम क्षणों में तुम्हें जब बूंद ने समुद्र में कूदना होता है, उस घड़ी तुम न कर सकोगे अपने से, तुम्हारा विश्वास डगमगा जाएगा, क्योंकि तुम समाप्त होने को चले हो, उसके बाद तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हारी बूंद की तरह वजूद खत्म हो जाएगा। सागर की तरह तो तुम परम हो जाओगे, बृहत हो जाओगे, बृहत्तम हो जाओगे, लेकिन बूंद की तरह, क्षुद्र की तरह तुम्हारा अस्तित्व खत्म होने को है, और वहां तुम्हें बड़े से बड़े हौसले की आवश्यकता है। शायद कृष्णमूर्ति का हौसला इतना ज्यादा रहा हो, वो कूद गया हो, ठीक है, कोई असंभव बात नहीं है, गुरु के बिना भी हो सकता है, लेकिन गुरु के बिना नाम मात्र व्यक्ति ही पहुंच पाएंगे। उस स्थान पर गुरु काम आएगा, गुरु तुम्हें हौसला देगा, कूद जाओ, मैं भी कूदा था, देखो तुम्हारे सामने बैठा हूं, महान होके बैठा हूं, ईश्वर होके बैठा हूं, तुमने भी अगर ईश्वर होना है तो कूदो, तुम्हें कूदना पड़ेगा। वो तुम्हें हौसला जगाएगा और उस हौसले को लेकर तुम कूद जाओगे और फिर पाओगे कि सौदा बहुत सस्ता हो गया। ये सौदा बहुत सस्ता था, खुद को गवाया भी नहीं और सब कुछ पा भी लिया। समझा तो ऐसे था तुमने कि खुद को गवा लेंगे और ईश्वर को पा लेंगे, लेकिन पाया ये कि खुद को भी नहीं गवाया और ईश्वर को भी पा लिया। खैर, मेरी बातें विरोधाभासी भी लगेंगी, लेकिन शब्दों में तो विरोधाभासी ही लगेंगी, लेकिन सत्य कुछ ऐसा है कि विरोधों में बोलना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, आगे तो सिर्फ उदाहरण दी है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि जो बीज होता है वो जब तक अपनी मिटता नहीं है, जब तक अपनी छाती को पाड़ नहीं देता है, तब तक वो अंकुरित नहीं होता और पेड़ नहीं बनता और फल नहीं लगते, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो मैं कहता हूं कि समर्पण बड़े से बड़ा संकल्प है, मरने के लिए बड़े से बड़ा हौसला चाहिए, ये तो हो गया। अब संकल्प बड़े से बड़ा समर्पण कैसे है, इसको समझिए। आपने एक पक्ष समझा, लेकिन संकल्प बड़े से बड़ा समर्पण कैसे है? फर्ज करो आपने एक संकल्प ले लिया कि मैंने जरा सोचिए, आपने सोचा कि मैंने पीएम बनना है, आपके लिए बड़े से बड़ा संकल्प है, क्योंकि अभी तो आप चपरासी भी नहीं, बनना है आपने पीएम, बड़े से बड़ा संकल्प है आपका, तो उसके लिए समर्पण की कहां जरूरत पड़ेगी, उसके लिए संकल्प आपको
बड़े से बड़ा संकल्प करना पड़ेगा, लेकिन आप भूल जाते हो क्योंकि इन चीजों के भीतर विरोधी चीजें समाहित हुआ करती हैं। अब बड़े से बड़े संकल्प के लिए बड़े से बड़े समर्पण की जरूरत कैसे पड़ेगी वो जरा समझिए, लेकिन इन बातों को ध्यान से समझिए फिर समझ में आएंगे। इन पागलों के पीछे मत लगिए, इन्होंने शास्त्रों से पढ़ लिया और आपको आगे ब्रॉडकास्ट कर दिया। इसीलिए कबीर ने एक बड़ा प्यारा शब्द कहा, मुझको कबीर के प्यारे से प्यारे शब्दों में से एक शब्द ये भी लगता है। कबीर ने कहा था, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। तुम कागजों की लिखी हुई कहते हो, तुम शास्त्रों का पढ़ा हुआ कहते हो, और लेकिन मैं कहता आंखन देखी, लेकिन मैंने आंखों से जो देखा, मान के नहीं, मैंने देख के वो बोल रहा हूं। तो संकल्प के पीछे बड़े से बड़ा समर्पण कैसे चाहिए? देखिए, आपने पीएम बनना है, आपने कोई पीसीएस वगैरह करना है, आईपीएस करना है, संकल्प ले लिया आपने, लेकिन उस संकल्प के पीछे अगर आपने शक्ति समर्पित नहीं की, ध्यान से समझिए मेरी बात को, अपनी पूर्ण शक्ति समर्पित नहीं की, अटकते फिरे इधर से उधर, अपनी शक्ति को डिवाइड करते रहे, चलो छलांगे भी लगा लो, चलो फिल्म भी देखाओ, चलो ये भी कर लो, चलो वो भी कर लो, पूर्ण शक्ति को समर्पित करना होगा उस संकल्प के प्रति कि मैंने पीएम बनना है, मैंने पीसीएस करना है, मैंने आईपीएस करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए पूर्ण शक्ति आपको समर्पित करनी पड़ेगी उस लक्ष्य के प्रति। रातों को जागना पड़ेगा, सभी प्रकार की शक्तियों को कलेक्ट करके आपको समर्पित करनी होगी उस लक्ष्य के लिए, और अगर समर्पित न कर पाओगे तो चूक जाओगे। अगर आवारागर्दी करते रहोगे, आवारागर्दी में समर्पित करते रहोगे, अपनी शक्तियों को खर्च करते रहोगे, तो फिर आप सपना भी भूल जाओ। ये जो ऊंची पदवियों पर जाते हैं ये सौभाग्यवश नहीं चले जाते, इसके पीछे बहुत शक्ति व्यय की होती है। ये बड़ों के माइक उठाने पड़ते हैं पहले, उसके बाद कुर्सियां मिला करती हैं। ऐसे ही सपने पूरे नहीं हुआ करते। परम संकल्प को पूरा करने के लिए, तीव्रतम आखिरी संकल्प को पूरा करने के लिए पूर्ण शक्ति आपको समाहित समर्पित करनी पड़ेगी उस संकल्प के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति। तो क्या हुआ? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? पूछना ही पड़ेगा। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा उस काम के प्रति समर्पण, पूर्ण समर्पण परमात्मा को बाध्य कर देगा कि बता तुझे क्या चाहिए, तेरी रजा क्या है। वो अपनी रजा को पीछे छोड़ देगा, तो तुम्हारी रजा को पूछेगा।
सो इसलिए मैं कहता हूं मिटा दे अपनी हस्ती को, इसके लिए परम संकल्प की जरूरत पड़ेगी, मरना खाला जी का बड़ा है, खुद ही को कर बुलंदी तक। ऐसे संकल्प नपुंसक रह जाएगा अगर उसके पीछे आप समर्पण की शक्ति ना लगा पाओगे, आधारहीन हो जाएगा वो, शक्तिहीन हो जाएगा, निर्बल। निर्बल संकल्प की कीमत होती है क्या? उसमें समर्पण की शक्ति अगर ना डालोगे तो संकल्प में शक्ति आएगी कहां से? संकल्प समर्पण की पूर्ण शक्ति को लेकर साथ चलेगा तो कामयाब हो जाएगा, अन्यथा हार निश्चित है। ये दो रास्ते नहीं, ये दो टांगे हैं एक ही शरीर की, इसको ऐसा समझे, हर बात को विरोधी चीजों में मत बांटिए। और एक ही शरीर के दो पांव लड़ रहे हो, बायां कह रहे हो कि दायां, दायां कह रहे हो बायां, दोनों दुश्मन एक दूसरे के। जैन शास्त्र संकल्प का मार्ग है। और मीरा, कबीर, नानक जो तुझ पाव है, कहां संकल्प है इसमें? ऐसा कहना आसान नहीं है, ये चाहे मार्ग समर्पण का गिना जाएगा लेकिन शक्ति तो संकल्प से ही आएगी। ये भाणा मानना आसान है क्या? जो तुझ पावे साईं पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। ये लगता है ऊपर से शब्दों को देखोगे तो तुम कहोगे छोड़ दिया भगवान पे, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर, लेकिन बड़े से बड़ा संकल्प है अपने आप को छोड़ देना, एक अज्ञात बाहों में छोड़ देना, ना जाने किधर लेके जाएगा, डुबो देगा के उभार देगा तेरी मोच। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। अपना तो चलेगा कैसे ही करो, डुबाओ चाहे उबारो, लेकिन तेरी रजा में राजी। लेकिन ध्यान रखो, इस संकल्प के पीछे समर्पण की शक्ति काम करे, और उस समर्पण के पीछे महत संकल्प की शक्ति काम करेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप उसमें लड़ो मत, संकल्प और समर्पण के अलग मार्ग तो गिन सकते हो, जैसे दाई टांग बाई टांग ऐसे तो गिन सकते हो, लेकिन दो शक्तियां नहीं गिन सकते तुम। शक्ति तो एक ही शरीर की है, शरीर एक है, तो आपने कहा कि ये दो रास्ते हैं, कौन सा रास्ता सर्वश्रेष्ठ है? पहली बात तो रास्ते दो अवश्य हैं, लेकिन मैंने समझाया आपको कि दो नहीं है, एक है, क्योंकि एक के बिना जब दूसरा न चलता हो तो वो दो है वो कैसे गए? ये एक ही है। अपनी फितरत के मुताबिक कोई भी चुन लो, जो तुम्हारे टेस्ट के अनुकूल बैठती हो वो चुन लो, ये चुनाव तुम्हारा। मीरा की तरह डूबना चाहती मेरे तो गिरधर को पार, दूसरो न को जाके सिर पे मोर मुकुट, मेरो पति सोए। गिरा दिया उसके चरण में, मिटा दे अपनी हस्ती को,
डूब जाओ, मिट जाओ, फना हो जाओ। और चाहे महावीर की तरह अनिश्वरवादी हो जाओ, कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही जिम्मेवार हूं, मैं ही हूं ईश्वर, कोई ईश्वर नहीं है मेरे सिवा, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म। रास्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं कहता हूं कि एक ही है, तो कौन सा चुने, अपनी रुचि के मुताबिक चुने। कोई अटैकिव माइंड का होगा, कोई पैसिव माइंड का होगा, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम पुरुष प्रवृत्ति को हो तो संकल्प का मार्ग चुन लो, अगर तुम अस्त्रेण प्रवृत्ति को हो तो समर्पण का मार्ग चुन लो, आसान पड़ जाएगा। लेकिन भूलना मत कि रास्ता तो एक ही जगह लेके जाएगा, कोई भी चुन। और शक्ति भी दोनों ही चीजों की समाहित करके चलोगे, लेवल कोई भी लगा दो, संकल्प का लगा दो या समर्पण का लगा दो, वो तुम्हारी इच्छा है, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चल पड़ो। महावीर के मार्ग पे चलो, बुद्ध के मार्ग पे चलो, मीरा और दया के मार्ग पे चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चैतन्य की तरह नाचो, तुम्हें कौन कहता है कि बुद्ध की तरह शांत होकर बैठ जाओ, नहीं, लेके तमूरा नाचो, तुम्हें तुम्हारी मस्ती से कौन रोकेगा। उस प्रभु के गीत गाओ, गुण गावां दिन रात, नानक चाव ए, नानक कहते हैं मुझे तो ये चाव है, बिसर नहीं दातार, हे सच्चे मालिक मैं तुम्हें बिसर ना जाऊं। अपना नाम दे, तेरा नाम लेता रहूं, ऐसी कृपा कर, मैं भूलू ना, मैं स्मरण रखूं। गुण गावा दिन रात, मैं तेरे गुण गाता, कितना विशाल है। पाताल पाताल लख आगासा आगास, ये तो लख कह दिया लेकिन लाख से चलता कहां है काम। ये तो अनंत भी कह दें तो मैं समझूंगा कि शब्दों में नहीं आता, बस इसलिए अनंत कह दिया। ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहण एक बात, सैस अठारह कहण कतिपा, उसके वास्ते क्या शब्द चुनोगे, क्या मर्यादाएं निश्चित करोगे, क्या सीमाएं निश्चित करोगे। जरा देखो आंख उठा के आसपास, लोग मुझे कहते हैं कोई चमत्कार दिखाओ, मैंने कहा आसपास देखो ये क्या है, चमत्कार नहीं, ये आसपास तुम जो देख रहे हो ये चमत्कार नहीं है क्या, ये उस प्रभु की ही तो रचना है। अरे जिसके द्वारा देख रहे हो, ये छोटी सी आंखें सारा संसार देख रही हैं, ये चमत्कार नहीं है क्या, ये छोटी सी आंखें सारे जहान को देख लेती हैं। आपको पता है कि अगर इसमें छोटा सा कण रेत का पड़ जाए, यानी अज्ञान का छोटा सा कण पड़ जाए आंख में, तो आपकी आंख बंद हो जाएगी, कुछ न दिखेगा, कुछ न दिखेगा। सब अंधेरा हो जाएगा। मुझे मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना याद आ गई। अचानक ही कभी कभी बातें याद आ जाती हैं। हम पांच सात मित्र वर्जिश किया करते थे और हमारे पास एक बुल वर्कर हुआ करता था, चार स्प्रिंग वाला। वो बड़ी मुश्किल से हम खींच पाते थे क्योंकि चार स्प्रिंग वाला बुल वर्कर
काफी मेहनत से खींचा जाता है। मेरे कुछ मित्र थे वो बड़े आराम से खींच लेते थे, लेकिन मैं खींच तो लेता था लेकिन मुश्किल पड़ता था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो आज इसको पूरा खींचेंगे, कहां तक खींचा जाता है जी। तो मैंने उसका एक हिस्सा जो खूंटी होती है अपनी खूंटी दीवार में लगी, एक हिस्सा तो वहां टांग दिया और उसको पूरा खींचा और दीवार के साथ पांव लगा लिए। जरा सोचिए वो सीन अपने मन में बैठाइए कि बुलवर्कर का एक छोर तो खूंटी के साथ लगा है और उसको मैं खींच रहा हूं और जोर से खींच रहा हूं, बुलवर्कर बढ़ रहा है। मैं कहता हूं कि इसको बिल्कुल आखिर तक जितना ये बढ़ सकता है उतना बढ़ाऊंगा। तो मैंने पांव दीवार से लगा लिए और पूरे दोनों हाथों से खींच लिया बुलवर्कर, और क्या हुआ, ओह जो व्यक्ति वहां खड़े थे उनके भी होश काफूर हो गए। वो बुलवर्कर का दूसरा हिस्सा ऊपर वाला निकल गया खोटी में से और मेरी आंख के ऊपर आकर लगा। धरती घूम गई, अंधेरा छा गया। मुझे पहली दफे एहसास हुआ कि अंधा क्या महसूस करता होगा। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था अंधकार के सिवा, मैं अंधा हो गया था। और मैंने कहा, इतनी जोर से वो लगा बुलवर्कर, क्योंकि पावरफुल था, चार स्प्रिंग और पूरी शक्ति से पांव से दीवार से लगा के पूरी शक्ति से खींच लिया जितना वो बढ़ सकता था। वो ऊपर से निकल गया, आप समझदार हो कि कितनी पावर से लगा होगा, लगा आंख के ऊपर। लेकिन कुछ ऐसी कृपा रही, शुरू से ही मैं संतोषी प्रवृत्ति कर रहा, मैं घबराया। मैंने कहा चलो अंधे हो गए ऐसे ही काट लेंगे, क्या अंधे जीवन नहीं काटते, मैं भी ऐसे ही काट लूंगा। मैंने सोचा जी आंखों के जो डेले हैं ये निकल के बाहर गिर गए, इतने जोर से लगा बुलवर्कर कई डेले बाहर निकल गए। तो मुझे दिख तो रहा नहीं था, तो मैंने नीचे बैठ के फर्श के ऊपर हाथ ढूंढने शुरू कर दिए, जैसे हम ढूंढते हैं किसी चीज को। तो मेरे साथ वाले भाई कहने लगे, भाई क्या ढूंढ रहे हो। मैंने कहा भैया मेरा डेला निकल गया, आंख निकल गई है, वो मैं देखता हूं कहां पड़ी है। तो कहने लगे नहीं, सारी बात वो समझ गए थे। वो कहने लगे नहीं भैया नहीं, तुम्हारी आंख नहीं निकली है, कुछ नहीं निकला है, तुम्हें भ्रम हो गया। मैंने कहा अगर आंख नहीं निकली है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है। कहते नहीं नहीं तुम्हारी आंख नहीं निकली। मैंने कहा फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है, अगर आंख होती तो मैं देख भी सकता, मैं पहले अच्छे से देख रहा था, मेरी तो निगाह बहुत तेज थी, मैं एक मील से देख लिया करता था। तो कहते नहीं भैया तुम्हारी आंख नहीं निकली है, मैं कैसे मानूं जब मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। आंख का मतलब क्या होता है, जिससे दिखाई पड़े, दिखाई मुझे पड़ नहीं रहा, इसका मतलब आंख है नहीं। अब वो मुझे कैसे समझाएं कि तुम्हारी आंख है और इतनी जोर से लगी है कि पता नहीं क्या हुआ है। तो मेरे साथ जो भाई थे मेरे, उन्होंने मेरी दशा को समझा। मैं देख तो सकता नहीं था, चल भी नहीं सकता था, मुझे पता ही नहीं था आगे क्या है। वो मुझे पकड़ के गेट से बाहर ले गए, साइकिल के ऊपर बैठाया
और साइकिल पर बिठा के मुझे डॉक्टर के पास ले गए। सभी जो खड़े थे वो कहने लगे, नहीं भैया तुम्हारी आंख है, लेकिन मैं मुझे यकीन कैसे आए कि आंख है जब दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है। तो डॉक्टर ने मेरी आंख को अच्छी तरह से देखा। मैंने सोचा सब मिली भुगत है इनकी, इन्होंने सब कंप्रोमाइज कर रखा है कि मैं डर ना जाऊं। डरता तो मैं था ही नहीं। मैंने तत्क्षण फैसला कर लिया, इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट, ठीक है मैं अंधों की तरह जीवन जीऊंगा। उसने चेक करके कुछ कहा, मुझे सुना भी नहीं। जो मुझे ले गए थे उनसे कुछ कहा और आंखों में कुछ पट्टी वगैरह बांध दी, मुझको घर पे छोड़ आए। सारी बात बता दी गई घर वालों को। मेरी माता मुझे कहने लगी, बेटा आराम कर लो। मैंने कहा मुझे शीशा दिखाओ, ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी आंख तो वहां रह गई। उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, तुम्हारी आंख है भाई, तुम्हें भ्रम हो गया है। ऐसे ही हम सबको भ्रम हो गया है। जैसे उस दिन मुझे हो गया था, आप सबको भ्रम है कि हम परमात्मा नहीं है, लेकिन वो आंख के ऊपर छोटा सा कण आपको देखने कहां देता है। यही तो भ्रम मैं दूर करने आया हूं आपका, कि ये है तुम हो। आंख चाहे कितनी ही बड़ी हो, रेत का एक कण का काफी है, अज्ञान का एक कण काफी है। तुम विस्मृत हो गए हो परमात्मा, तुम हो तो परमात्मा, निश्चित रूप से परमात्मा हो, परमानंद स्वरूप हो, शांति स्वरूप हो, कल्याण स्वरूप, लेकिन तुम भूल गए हो, विस्मृति हो गई है। अपने आप को पापी मत मानो, तुम पापी नहीं, तुम तो महान पुण्य आत्मा, तुम ईश्वर पुत्र हो, तुम ईश्वर ही हो। लेकिन मुझे मां के ऊपर भी यकीन आया। मैंने कहा यह भी बहुत बार झूठ बोल देती है, कह देती है नहीं बेटे ऐसे नहीं, ऐसे बचपन में थोड़े झूठ बोले उसने, बच्चों को तो वैसे ही छवि बन जाती है। मां कह देती है बेटा बाहर मत जाना, बाहर शेर फिर रहा है। कहीं शेर कैसे आएगा बाप, कोई शेर सवा शेर कोई नहीं आता, सब ये माई झूठ बोलती है। मैंने कहा मां झूठ बोल रही है, आंख तो गई चलो, लेकिन मेरा मन कह रहा था जैसा स्वभाव था कि जब तक मैं ना देखूंगा तब तक मुझे नहीं यकीन आएगा। जब रात को 2 बज गए सब सो गए, मैं चुप करके उठा, मुझे नींद कहां, दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना तेज बुलबुल कर सारी खोपड़ी में दर्द हो रहा था, आंख में बड़ा भीषण दर्द हो रहा था, सिर चकरा रहा था। मैं चुप करके उठा, शीशे के सामने गया, उस पट्टी को मैंने उठाया, एक आंख से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। मैंने देखा कि आंख तो है लेकिन फिर इसे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा। फिर मैंने देखा कि आंख बिल्कुल लाल है, बिल्कुल जैसे खून भरा। फिर मैं सारी बात समझ गया। मैंने कहा ये कहीं चोट लगी है भीतर, आंख तो है। चलो मैं पट्टी को वैसे ही बांध के आके सो गया। दर्द होता रहा, किसी तरह रात गुजारती।
ऐसे ही हम भ्रम के मारे इस संसार में जो चीजें हमारी हो नहीं सकती उन्हें अपना बनाते फिरते हैं। कोई बड़ी कोठी बना रहा है जो उसकी कभी नहीं हो सकेगी। सराय तो बना सकता है, निवास नहीं बना सकता। सराय को सराय की तरह बना लो, निवास की तरह मत बनाओ। सर्दी गर्मी से बचने के लिए, बारिश तूफान से बचने के लिए बना लो, कोई गलत नहीं है, लेकिन निवास मत बनाओ। चित्रकारी मत करो। जो चीजें हमारी नहीं हो सकती, सदा से हम उसको अपना बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। मैंने ये भी बना लिया, मैंने ये भी बना लिया, मेरे पास यहाँ लोग आ जाते हैं, हमने ये भी बना लिया, हमने ये भी बना लिया, हमने ये भी बना लिया। सब कुछ बना लिया, बस ये रह गया, ये बना के फिर आराम से। कहा भाई जब इतना बना के आराम से नहीं तो इतना बना लो, और भी बना लोगे तो आराम से फिर भी ना रह पाओगे। तो लोग मुझे कहते हैं कि स्वामी जी आप ये अशिष्ट भाषा क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई सत्य को आप अशिष्ट समझ लो चाहे शिष्ट समझ लो, मैं तो सत्य बोल रहा हूं। एक दिन तो मुट्ठी खुल ही जाएगी, सिकंदर की तरह हाथ खुले के खुले रह जाएंगे, पंछी उड़ जाएगा, चल हंसा उस देश, तुम परदेश के वासी यहां सदा के लिए नहीं आए, यहां से जाना होगा। कुछ भी करो ये स्मरण रखो कि ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम परदेश में हो, तुम सराय में हो। इस सराय को प्रयोग कर लो, लेकिन सदा छोड़ने की तैयारी बनाए रखो, स्मरण रखो अपने आप को, मैं कौन हूं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए। धन्यवाद।